बी आर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का रोल निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल का निधन हो गया है। गूफी पेंटल ने 78 साल की उम्र में 5 जून की सुबह 9 बजे आखिरी सांस ली। गूफी पेंटल पिछले काफी दिनों से बीमार थे और मुंबई अंधेरी स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे। गूफी पेंटल के निधन की पुष्टि उनके भतीजे हितेन पेंटल ने की। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने रेलवे में ड्यूटी रिजॉइन कर ली है। दोनों रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी हैं। सवाल उठ रहा है कि पहलवानों के आंदोलन का क्या होगा। साक्षी ने कहा कि इंसाफ मिलने पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया को श्रीमती सिसोदिया के आवास या अस्पताल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ले जाया जाएगा। मुख्तार को उम्रकैद की सजा। वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विजय गोयल ने महिला को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होते ही बीजेपी पर हमलावर हुई आप कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा के सीनियर लीडर विजय गोयल एक बार फिर चर्चा में है। वजह है उनसे जुड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो। वीडियो शेयर कर लोगों ने आरोप लगाया है कि विजय गोयल ने आवारा कुत्तों की समस्या के दौरान बोलते हुए वहां मौजूद महिला को थप्पड़ मारा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो के वायरल होते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। वीडियो 4 जून का बताया जा रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में आग लगी। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां भेजी गई थी। फायर सर्विस के अनुसार आग सवर रूम में लगी थी और बुझा ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने दिल्ली में ट्राई सर्विसेज ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे।